सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैंने ये सीखा है नेक्स्ट स्कूल ऑफ आर्ट से, उसके अलावा मैंने डिफरेंट गैलरी से सीखा है, और ये काम करते हुए मुझे 8-9 साल हो गए हैं इस काम को। बेसिकली मैं स्केचिंग करता हूँ, मैं पेंटिंग नहीं करता, तो मैं स्केचिंग के साथ ही लाइव जिस तरह लोगों के फेस के स्केचेस होते हैं और या किसी चीज़ का स्केच, मुझे बचपन से ही शौक था तो, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम, अब बिलीव करें या ना करें, ये मैंने कैनवस पे फर्स्ट टाइम काम किया। मेरी मामा जो है वो आर्ट में, मतलब उनका काफ़ी इंटरेस्ट था और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, तो अब वो चाहती हैं कि जो उनका ख्वाब अधूरा रह गया वो मैं पूरा करूँ। आर्टिस्ट के पास कमाल ये होता है कि रात को दिन में बदलना और दिन को रात में बदलना। ऐसा ही काम किया एक नौजवान आर्टिस्ट ने, अख्तर मुनीर ने, कि रात के मनाजर जो हमें ख्वाबों में दिखाई देते हैं वो उन्होंने एक पेंटिंग में समो दिए। उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि ये काम इन्होंने सीखा कब से शुरू किया, क्या ये बचपन से शौक था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कब से ये काम आपका? बेसिकली मैं स्केचिंग करता हूँ, मैं पेंटिंग नहीं करता, तो मैं स्केचिंग के साथ ही लाइव जिस तरह लोगों के फेस के स्केचेस होते हैं और या किसी चीज़ का स्केच, मुझे बचपन से ही शौक था तो, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम, आप बिलीव करें या ना करें, ये मैंने कैनवस पे फर्स्ट टाइम काम किया। फर्स्ट टाइम आप? जी, फर्स्ट टाइम कैनवस पे मैंने काम किया था, और उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश की लेकिन दोबारा मुझसे ऐसी दोबारा बन नहीं सकी, लेकिन मैं करता रहता हूँ बार बार ट्राई। आप चाहते हैं कि इस तरह के जो काम हैं उनको सराहने के लिए हुकूमती जो इकदाम हैं वो किए जाएँ, हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, आर्टिस्ट जो होता है वो किसी भी माशरे का एक सबसे हसास फर्द होता है, और बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर कोई ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है या कोई ऐसा निज़ाम भी नहीं है जहाँ पे आर्ट की इस तरह से पजीराई की जा सके या आर्टिस्ट अपने आर्ट से जो है अपना पेट पाल सके या अपने घर वालों का खर्चा उठा सके। तो मैं तो ऐसे किसी आर्टिस्ट को नहीं जानता जो सिर्फ आर्ट से ही सारे पैसे कमाता हो, अनलेस कि उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना सीखी हो, कमर्शियली वो काम ना करता हो। कमर्शियल एक और चीज़ आ जाती है और आर्ट एक और चीज़ है। तो मेरे ख्याल से हुकूमती सतह पे भी हुकूमत को चाहिए कि आर्टिस्टों की जो है वो पजीराई करे और उन्हें कम से कम उनका ज़रिए मौश का बंदोबस्त करे। अरे हम माशरे का एक डबल जो स्टैंडर्ड है वो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, और जिस तरह आपको ये पेंटिंग लगी है कि किसी ने कैनवस के ऊपर रंगों की मदद से कोई शाहकार या मुसवरी उसको तख्लीक की है, ये मुसवरी नहीं है, ये पेंटिंग नहीं है, ये फाइन आर्ट फोटोग्राफी है, ये तस्वीरें लेके उसको फाइन आर्ट, हम लोगों का एक मीडियम होता है ग्राफिक्स के अंदर, एडिटिंग के अंदर, उसकी मदद से हमने इसको एक फाइन आर्ट फोटोग्राफी बना दी है। सर ये जो आपने, आपका फ़न है, ये बचपन से आपको शौक था या आपको विरासत में से मिला है ये फ़न? आपके बड़े भी ये काम करते आ रहे हैं? नहीं जी, मेरे ख़ानदान में मैं एक वाहद बंदा हूँ जो कि आर्ट और कल्चर की तरफ है। मेरा ताल्लुक अंदरून शहर से, तो अंदरून शहर के आर्किटेक्चरल वेन्यूज़ को देख के, वहाँ की बिल्डिंग्स को देख के, वहाँ के कल्चर को देख के, तो मुझे शौक आ गया कल्चर का, आर्ट का, तो मैंने खुद सीखा। NCA में जाके मैंने फोटोग्राफी अपना विजुअल पढ़ा, और अब हम लोग 2 कल्चरल सोसाइटीज चला रहे हैं, सोसाइटी फॉर लिविंग हेरिटेज लोअर विरसा, और उन्हीं के प्लेटफॉर्म के अंडर हम लोगों ने 2 प्राइवेट म्यूजियम्स अंदरून शहर में खोली हैं। तो ये विरासत में ये चीज़ नहीं मिली, वक्त के साथ आपके जैसे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये जो आपने काम किया, ये जो आपने पेंटिंग बनाई बड़ी खूबसूरत, ये काम आप कब से कर रहे? मैं काफ़ी छोटी एज से कर रही हूँ, और अब तो काफ़ी आर्ट गैलरीज में मेरा काम इसलिए हो चुका। छोटी एज से, छोटी उम्र में आपने सोसाइटी के बड़े मसले को सामने लाकर दिखाया एक पेंटिंग के ज़रिए से। ये फ़न जो है आपको विरासत से मिला या अभी आपने ज्वाइन किया, खुद सीखा? नहीं, मेरी मामा जो है वो आर्ट में, मतलब उनका काफ़ी इंटरेस्ट था और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, तो वो चाहती हैं कि जो उनका ख्वाब अधूरा रह गया वो मैं पूरा करूं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा ये जो आपने पेंटिंग बनाई, ये जो पेंटिंग बनाई है, ये कौन है लोग? ये मेरे दोस्त हैं, उनके अम्मी अबू हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बनाई। आपको ये जो फ़न हासिल है, ये कब से आप बना रहे हैं पेंटिंग? वेल, वो जो एक टिपिकल आंसर होता है कि बचपन से शौक था, तो बचपन से था, करते आ रहे थे काम शाम, फिर बाद में इसमें हायर स्टडीज़ पर हमने इसको किया, सीखा सारा कुछ, तो फिर प्रोफेशनल जो है 2010 से कर रहे हैं। नाज़रीन, कल्चर लाहौर की शनाख्त, मुग़लों ने काफ़ी देर इस लाहौर के अंदर हुकूमत की। मुग़ल तो इकट्ठे ना हो सके, लेकिन इस मैडम ने पेंटिंग के अंदर तमाम मुग़लों को इकट्ठा कर दिखाया। किस तरह से इस मैडम ने एक पेंटिंग में समोया, इनसे पूछते हैं कि ये फ़न कहाँ से सीखा। जी मैम, कहाँ से सीखा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैंने ये सीखा है नेक्स्ट स्कूल ऑफ आर्ट से, उसके अलावा मैंने डिफरेंट गैलरी से सीखा है, और ये काम करते हुए मुझे
8-9 साल हो गए मैं इस काम को, और मुझे लगता है कि ये मुग़ल जो आर्ट है इसको एक लोगों की इनकी याद ताज़ा करने के लिए आज के दौर में इन किया जाए, ताकि हमारे जो न्यू जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि मुग़ल आर्ट क्या है। नाज़रीन, आपने ये देखा आर्ट कल्चर डिज़ाइनिंग का जो काम है, जो फ़न है पेंटिंग बनाने का, वो हमने आपको दिखाया, और लोगों से हमने बात भी की, जो यंग आर्टिस्ट हैं उनसे भी बात की, आपको दिखाया कि पंजाब का जो कल्चर है वो किस तरह से एक पेंटिंग के अंदर वो समो देते हैं, हज़ारों सबक और हज़ारों खाके एक ही पेंटिंग में हम आपको दिखा रहे थे। तो नाज़रीन, ये पंजाब की जो शनाख्त है यही इस पेंटिंग के अंदर ज़ाहिर करती है कि इन पेंटिंग से हम सीख भी सकते हैं और अपना रोज़गार भी वाबस्ता रख सकते हैं। इसी के साथ मुझे अली रज़ा भट्टी को दीजिए इजाज़त। टाइम न्यूज़ देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।